मेरा क्लियर अपील है टू ऑल द तिपरा मोथा मेंबर्स कि टीपीएफ से शायद दो तीन शब्द हम लोग का खिलाफ कहा है, मेरे खिलाफ कहा है। देखो, हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है, हम भी एनआरसी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम भी सीएए के खिलाफ है और हमारा भी केस सीएए में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एनआरसी का भी चल रहा है। लेकिन 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो हमको अपने लाइन में भी चलना है। हम लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि जस्टिस कब मिलेगा। आप किसान का आंदोलन देख लो, किसान का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला था क्योंकि किसान आंदोलन करते रहा, इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी माफी मांगकर किसान का कानून वापस लेना पड़ा। इसी के लिए हम लोग भी अपना आंदोलन रेडी रख रहे हैं। मैं आपको फिर से अपील करता हूं कि हम पतल का खिलाफ नहीं है, मैं पतल के खिलाफ एकदम नहीं हूं। उनका सीए का, उनका जो एनआरसी का केस है उसको मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन हम साइड बाय साइड अपना भी एक लाइन लेके चल रहे हैं क्योंकि जब तक हमें सुप्रीम कोर्ट रिलीफ अगर कल नहीं दिया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मेरा अपील है। और जो आज प्रोटेस्ट पूरा त्रिपुरा में हो रहा है, हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने भी अपने पॉकेट से एडीसी से हमने कहा है कि अभी 2-2 लाख हर परिवार को दिया जाए। उसके बाद पूरा त्रिपुरा में हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को बीजेपी के संग कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, हमको ना कांग्रेस के संग कोई अंडरस्टैंडिंग करना है, ना हमको सीपीएम के संग कोई अंडरस्टैंडिंग करना है। और आप लोग प्लीज कोई भी एक औरत के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट मत दो, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। मुझे थानसा चाहिए। अगर पतल थानसा में नहीं आना चाहता है तो उसको जो करना है करने दीजिए, लेकिन उसको पर्सनली प्लीज अटैक मत कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि बुबागरा का पार्टी में अगर हम लोग इतने नीचे गिर जाएंगे तो हमको शोभा देगा। हमको भी अपना सम्मान रखना है और पब्लिकली कभी भी तिपरासा को अटैक करने से फायदा किसी का नहीं होगा। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद।